जय भीम नव बुद्धा। दोस्तों मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशम लाइव टीवी। इस वक्त ग्राम अंबाडी और प्रखंड सरिया है। यहाँ पे इस अंबाडी में अनुसूचित जाति की संख्या काफ़ी है और यहाँ पे कई तरह से समस्या से लोग जूझ रहे हैं। उनमें से यहाँ कई महिलाएं उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या इस गाँव में है। चलिए आप अपना अपने नाम बताइए। तो मेरा नाम बीना देवी है, ग्राम अंबाडी पंचायत सरिया ब्लॉक से हम हैं। और हमारे गांव में स्वास्थ्य का काफ़ी परेशानी है, जैसे कलाटांड पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जबकि हम लोग महिला को बहुत समस्या होता है, जबकि समय पर चिकित्सा नहीं मिलने के कारण हम सरिया अस्पताल को जाना पड़ता है। सरिया अस्पताल तक पहुंचने में एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित इस गांव में कोई तरह से व्यवस्था नहीं और यहां पे काफ़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी गरीब लोगों काफ़ी समस्या से सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में और तरह और कई तरह से समस्या उनमें से भी जानना चाहेंगे। अगला वक्ता के रूप में मेरा नाम बीना देवी, ग्राम अंबाडी पोस्ट खसरी थाना सरिया जिला गिरिडीह। हमें यहाँ पानी का समस्या बहुत है, इसलिए पानी का समस्या है। पीने की पानी का जो जल क्या है कि अभी गर्मी का मौसम में अभी चापाकल भी काम नहीं कर रहा, साथ ही साथ कुआं ये सब कोई तरह से काम नहीं कर रहा, जिसके तरफ से पानी पीने की काफ़ी समस्या बढ़ते जा रहा है। इस ओर सरकार की ध्यान देना चाहिए और यहाँ पे यहाँ कई महिलाएं उपस्थित है, उनसे भी तो जानना चाहेंगे किस तरह समस्या है। चलिए, मेरा नाम है रेणु देवी, ग्राम अंबाडी पोस्ट खेसरी थाना सरिया जिला गिरिडीह। और मेरा गाँव में समस्या शिक्षा की है, शिक्षा की समस्या बहुत है। मेरे गांव में स्कूल की भी कमी है और टीचर की भी कमी है, जिससे मेरे गांव का बच्चा अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। शिक्षा में कुछ है स्वास्थ्य की समस्या, जल की समस्या, लेकिन इसी वक्त एक और शिक्षा संबंधित समस्या पे भी हम लोग पता चला कि यहाँ शिक्षा भी काफ़ी अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, जिसमें और यहाँ पे और महिलाएं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आप बताइए। मेरा नाम बीना देवी है, ग्राम अंबाडी सरिया प्रखंड से हूँ। यहाँ कमी है पानी का, स्कूल का, अस्पताल का। और आप अपना नाम बताएंगे? रोजगार और मेरे गांव में रोजगार का कमी है, कोई सिलाई उलाई का कोई सेंटर होता नहीं। और इधर भी महिला अपना नाम बताएं। मेरा नाम है किरण देवी, ग्राम अंबाड़ी पंचायत कलाटन थाना सरिया जिला गिरिडीह। और मेरे गांव में आवास का। ठीक है, चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुड़िया देवी, ग्राम अंबाडी सरिया। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पे महिलाओं की ओर से बहुत सारे समस्या भी सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य की समस्या और पानी की समस्या और रोजगार की समस्या, जिसमें महिला सबको कहना है कि हम लोग काफ़ी जनसंख्या में केवल कोई तरह से रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। तो इन लोगों को मांग है कि कहीं हमारे गांव में सिलाई सेंटर हो तो यहां से हम लोग कुछ रोजगार कर पाएँ। तो इसी वक्त यहां साथ ही साथ कई जेंट्स अंबाडी के उपस्थित है, इन लोग से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग को इस गाँव में किस तरह की समस्या है। आप बताइए। मेरा नाम राजेश दास हुआ, ग्राम अंबाडी पोस्ट सरकारी थाना सरिया हुआ, जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। यही जो बात जो सभी को जो बोला है वो सही बात है, हकीकत है। हमारे गांव में कुछ तरह से असुविधा मतलब हो रहा है, कुछ तरह से मतलब कोई यहाँ मतलब व्यवस्था नहीं है, वही बात है। और यहाँ पे जाना चाहिए। चलिए आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम है परेश दास, पंचायत कैलाटन पोस्ट खसगरी थाना सरिया प्रखंड सरिया चौराहे का निवासी हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना नवयुवक हम लोग हैं, बहुत यहाँ काफ़ी बेरोजगार हैं, नौकरी चाकरी का कोई सुविधा नहीं है, न कुछ है, हम लोग का बेरोजगार हैं। हम लोग का मतलब बिजनेस और बेरोजगार का मैंने मिलना चाहिए। यहाँ पे इनके तरफ से बेरोजगार संबंधित मुद्दा आया और यहाँ पे और हमारे वक्ता है, उनसे भी जानना चाहिए। आप बताएँ। मैं अशोक कुमार दास, ग्राम अंबाड़ी से सरिया जिला गिरिडीह का रहने वाला,
यहाँ देखिए हम लोगों का अनुसूचित जाति का लगभग 60-70% जनसंख्या है, जिसमें हम लोग सभी तरह से मूलभूत समस्याओं से वंचित रहे हैं वर्षों से। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि हम लोगों के गांव में गांव को जल्द से जल्द उन्नत ग्राम योजना के तहत जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे हमारे गांव का विकास हो सके, लोगों का अच्छी तरह सब कुछ विकास हो सके। चलिए ठीक है। मेरा नाम सुरेंद्र दास है, ग्राम अंबाडी पोस्ट खस्करी थाना सरिया जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। सर हमारे यहाँ पे तो बहुत कुछ योजनाएं आता है, लेकिन हम लोगों को योजना से वंचित रहते हैं, क्योंकि मानववादियों ने लूट मचा रखा है। कोई कुछ भी योजना लेने से पहले 10-20 हज़ार घुस देना पड़ता है, भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को हम लोग ये चाहते हैं छुटकारा और मिटना चाहिए, और एक साथ में जो जुड़ना है उसमें जुड़ना चाहिए। दूसरी बात में जो हमारे समाज के जो कमी है उसका पूर्ति होना चाहिए सर। ठीक है, चलिए भुवनेश्वर रविदास है, कलेक्टर पंचायत से सरिया प्रखंड है। चलिए आप बताएंगे। मेरा नाम सोनू रविदास हुआ, कलेक्टर पंचायत ग्राम अम्बाड़ी के रहने वाला हूँ। आज हमारे गांव में बहुत सारी कमी है, बहुत चीज़ें की, जैसे स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जल नहीं है। उस इस कमियों को सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द इस गांव में लाने की कोशिश करें। जैसे देखा गया कि यहाँ पे जो ग्राम अम्बाडी में काफ़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधा की कमी है, और इसी रूप में एक और वक्ता है जो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह समस्या और किस तरह का यहाँ बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, आप बताइए। जय भीम नमः बुद्धाय। मैं राजेंद्र रविदास, ग्राम अम्बाड़ी पंचायत करेटन थाना सरिया जिला गिरिडीह का निवासी हूँ। हमारे अम्बाड़ी गांव में कुल जनसंख्या लगभग 2,500 है, जिसमें से 1500 जनसंख्या सिर्फ हमारा अनुसूचित जाति का जनसंख्या है। तो मैं सरकार से अपने टीम की तरफ से और अपने तरफ से अनुरोध करता हूँ कि हमारे गाँव को उन्नत ग्राम योजना में जोड़ कर इसके तहत जो भी योजना सरकार के द्वारा आएगा उसमें से विशेष करके हमारे अम्बाड़ी गांव को खूब ध्यान में रखते हुए रखा जाए, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा की बहुत ही कमी है, और स्कूल ना होने के कारण हमारे गांव समाज के अनुसूचित जाति के विशेष करके बच्चे लोग अच्छा से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी समस्या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोई नज़दीक में अस्पताल नहीं है, जो कि इस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और जल की भी समस्या काफ़ी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत हम लोगों को संकट से जूझना पड़ता है। लाभ हम लोग को मिलना चाहिए, वो जल्द से जल्द मिले, हम लोग इसी उम्मीद पर टिके हुए हैं। जय भीम नमः। जैसे इस गांव में अम्बाडी में अनुसूचित जाति की जनसंख्या काफ़ी है, फिर भी जो सो मूलभूत सुविधा काफ़ी कमी है, तो सरकार से मेरी ओर से हम लोग भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर अनुसूचित जाति का कोई तरह सा स्कीम अगर चल रहा है या सहकारिता विभाग या अनुसूचित जाति निगम, तो अति शीघ्र इस गांव को अपने और संज्ञान में ले और यहां पे जितने तरह से जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करें, और अनुसूचित जाति का जो निगम उन्नत ग्राम योजना चलता है उसके तहत इस गाँव को जोड़ा जाए, ताकि यहाँ की जो बढ़ते हुए रोजगार और यहाँ की जो समस्या महिला और जेंट्स का हर एक तरह समस्या उस समस्या का समाधान हो सके। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप शीघ्र सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपका सहकारिता विभाग, करियर विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बहुत सारे सरकार का जो संस्थाएं हैं, सरकार डिपार्टमेंट का उसका आपका नॉलेज मिलेगा, ताकि आप अपने रोजगार से जुड़ सकें और आप बेरोजगारी को हटा सकें। इस वीडियो को अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप फिर मुलाकात होगा अगला वीडियो के साथ। कैमरामैन विजय कुमार रावण के साथ जय भीम नमो बुद्धाय।